मानसून का सीजन हो और घर पे बची हुई इडली से कुछ चटपटा खाने को मन करे, दोस्तों आप क्या खाना पसंद करेंगे? हेलो दोस्तों, आप सभी को सात्विक भोजन चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए मसाला इडली। चलिए देखते हैं मसाला इडली कैसे बनाया जाता है। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पे मैं बची हुई इडली को एक प्लेट में ले ली हूँ, उसको मैं 4 पीसेस में कट कर रही हूँ। अब सेम प्रोसेस रिपीट करके मैं जो और सारा बची हुई इडली थी सब उसको भी मैंने इसी तरीके से कट कर लिया है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया है। बस ये इडली को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून की ऑयल ऐड की हूँ। एक बार ऑयल गर्म हो जाए उस पर जीरा और थोड़ी सी हींग ऐड की हूँ। एक बार जीरा और हींग अच्छे से भून जाए उसके ऊपर आप ये कटी हुई इडली ऐड कर लें। इडली को यहाँ पे 2 मिनट सॉटे करने के बाद आप थोड़ी सी चिल्ली पाउडर ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून की चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे 1/2 टीस्पून की सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिला लें। लास्ट में मैं थोड़ी सी चटपटा टेस्ट देने के लिए इसको इसके साथ मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, उसको भी अच्छे से मिला लें। बस 2 मिनट आपको यहाँ पे फ्राई करना है इसको। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून की पुदीना चटनी ऐड कर रही हूँ। बस ये हो गया है ऑलमोस्ट। बस उसको यहाँ पे और 2 मिनट ही मुझे फ्राई करना है। जैसे कि देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट क्रंची हो गए हैं, ब्राउन भी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं गैस फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये क्रंची वाला चटपटा इडली मसाला स्नैक्स मेरा बनके रेडी है। तो मैं इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। इसको देख के मेरे मुंह पे तो बहुत ही पानी आ रहा है। मैं जा रही हूँ इसको खाने के लिए। दोस्तों आपके घर में भी जब बची हुई इडली बन रहे तो इसके साथ ये मसाला इडली बना के इसको ज़रूर खाए और मुझे कमेंट करके बोलना ना भूले। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।